कुल की थारी बाईसा ने देवी हुकुम की साड़ी ने इस्त्री करनो है, तो जब तक मैं साड़ी ने इस्त्री करूँ ना, तो यहाँ पे खेल। हे मारी माता रानी, ये क्या हो गया? इस बत्ती ने भी अपने कुल होना था। अगर देवी हुकुम की साड़ी समय से तैयार न हुई तो देवी हुकुम ने तो देरी हो जाएगी। हमारी इस साड़ी की हालत किसने की? ए लड़की, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। बिना हमारी इजाजत के तुमने हमारी साड़ी को हाथ भी कैसे लगाया? और इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। तो क्या होगा जब चुनबुली सी वसुधा टकराएगी अनुशासन की मूरत चंद्रिका सिंह चौहान से? जानने के लिए देखिए वसुधा 10:30 बजे 16 सितंबर से सिर्फ जी टीवी पर। Hi, my name is Abhishek Sharma and you are watching Tele Reporter. एक ऐसा कैरेक्टर जो वसुधा की तरफ भी है, जो माँ की तरफ भी है, जो वसुधा की भी सुनता है, माँ की भी सुनता है। लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी, एक माँ जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, अगर माँ बोलती है कि रात है तो रात है, दिन है तो दिन, तो ये कहानी किसके इर्द गिर्द घूमने वाली है वो आई थिंक आपको देखना पड़ेगा। पर ये कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कहानी को किस मोड़ पे मोड़ना है वो बहुत इन्फ्लुएंस करने वाला है। वसुधा का जब मेरे पास रोल आया, ऑडिशन आया, तो जो कैरेक्टर की बारीकियां थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी। जैसे एक फाइन लाइन है देवांश का, जो थॉट प्रोसेस रहता है वो कभी भी ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, ना ज़्यादा गुस्सा करेगा, ना ज़्यादा प्यार दिखाएगा, वो हमेशा सटल रहता है और अपने माँ के दिए हुए पद चिन्हों पर चलता है। तो ये बहुत ही बारीकी से चलने वाला कैरेक्टर है और बहुत ही सुलझा हुआ है, तो ये सटलिटी और सिंप्लिसिटी ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। और इस कहानी की सबसे ख़ास बात है कि सिर्फ आप देवांश की, चंद्रिका जी की या फिर वसुधा की बात नहीं कर सकते, इस कहानी में जितने भी किरदार हैं हर किरदार की एक अपनी कहानी है। जैसे मेरा छोटा भाई है, जैसे हनुमंत काकू हैं, पापा हैं, सबकी कहानी कुछ ना कुछ कहती है, और तो सबकी कहानी को इम्पोर्टेंस है इसमें। एज एन एक्टर मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि अगर मुझे ये किरदार निभाना है तो मैं इसको कितनी ऑनेस्टी से और कितने प्यार से निभा सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि ये एग्ज़ाम है और इतना पढ़ना है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको 100 नंबर लाने हैं, आप पढ़िए। जैसे मैं किरदार प्यार से निभाऊँगा और जितना मैं प्यार से निभाऊँगा आई थिंक उतना ही ऑडियंस प्यार महसूस करेगी और बाकी चीज़ें अपने आप हैंडल हो जाएंगी। जी उदयपुर में पहुंचने के बाद बहुत सारी चीज़ें कैरेक्टर्स में हमने इन्वॉल्व की, मतलब मुझे बहुत फ़ायदा मिला। हर बार शूट के बाद, पैकअप के बाद मैं हमेशा मार्केट्स में घूमता था, या फिर जब भी मुझे 1 घंटा भी मिलता था किसी लोकल से बात करना, लोकलाइट से बात करना, उनके बोलने के तरीके को समझना, उनके थॉट प्रोसेस को समझना या फिर वहाँ की हिस्ट्री को जानना, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है कैरेक्टर के एट्रीब्यूट्स में। तो बहुत ज़्यादा लर्निंग थी और जहाँ जहाँ पर शूट हुआ है हर एक वेन्यू की, हर एक लोकेशन की एक अपनी स्टोरी है, तो बहुत ज़्यादा लर्निंग थी वहाँ के लिए। शादी हो जाएगी,
इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये टिपिकल शो नहीं है, तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं होगा। ऑन स्क्रीन बॉन्ड आई थिंक बहुत ही फ्रेंडली, क्योंकि जितनी भी कहानी आपने देखी है उससे इसलिए अलग होगी क्योंकि इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं हम दिखाने वाले हैं कि एक लड़का है और एक लड़की है और कहानी आगे बढ़ चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। इस कहानी में हर चीज़ के पीछे एक रीजनिंग है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसमें बिल्कुल भी हमने ऐसा कोशिश नहीं की है या फिर ऐसा लिखा भी नहीं है, इस तरीके से रिटन है कि इट्स नॉट अ गर्ल बॉय स्टोरी या फिर सास बहू स्टोरी। जी बहुत बहुत प्यार मिलता है, आई मीन आई फील वेरी हैप्पी जब बाकी लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे वहाँ से भी दोस्त मिले, और इट्स अ गुड फीलिंग। अभी मैं इतना कहना चाहूँगा कि पिछले 3 महीने से मैं इस शो की तैयारी में लगा हूँ, और अभी आगे इस शो को कैसे मैं और बेहतर कर सकता हूँ तो उसमें ही मेरा सारा समय जाने वाला है, तो अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ आपको। मैं अपने फैंस को इतना ही कहना चाहूँगा कि 16 सितंबर की रात 10:30 बजे ZTV पर आ जाना और शो का आनंद उठाना। शो आपको बहुत एक्साइटिंग लगने वाला है, बहुत डिफरेंट लगने वाला है, और बहुत ही डायनेमिक लगने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि स्टोरी ऐसी है तो ऐसी है, अभी स्टोरी ऐसी है तो स्टोरी ऐसी हो जाएगी। सब ने बहुत मेहनत की है, सबसे ज़्यादा इस शो पर जिसने मेहनत की है वो हमारे सर हैं अरविंद जी। 6 months to 8 months स्क्रिप्ट पे काम वर्क किया गया, और यू नो लोकेशन कॉस्ट्यूम कास्टिंग एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, ओनली थैंक्स टू सर एंड रेखा जी। एंड अगर आप फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं और आपको अच्छा लगता है वो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ देम। एज एक्टर्स हमने हमारी प्रेपरेशन कैसे की है, आई थिंक टीम एफर्ट बहुत रहा है हम सबका, और जैसा मैम ने बोला है कि जैसे सर ने बहुत मेहनत की है, बाकी होल यूनिट जितने भी हमारे एक्टर्स हैं जितने भी AD टीम में हैं, आई थिंक एवरी वन इज़ डन अ वंडरफुल जॉब। और हमने उदयपुर में भी शूट किया है, एंड बहुत आउटडोर शूट था, बहुत बारिश थी, बहुत धूप थी, उसमें भी हमारा शूट करके ऐसे प्रोडक्ट आना है। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, तो मेहनत हुई है। हमारी हीरोइन इतनी ब्यूटीफुल है ना, और हमारा हीरो बहुत ही हैंडसम है ना। हाँ बोलो भाई। क्या नहीं बोला। तो शो जरूर देखना, बिल्कुल मत भूलना, 16 सितंबर से रात को 10:30 बजे सिर्फ ZTV पर। नहीं ये बिल्कुल भी सास बहू वाला ड्रामा नहीं है, कोई बॉय मीट गर्ल वाला रोमांस नहीं है, इससे डिफरेंट प्लॉट। और इसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि एक अर्बन लाइफस्टाइल है और एक जो वसुधा है उसका रूरल लाइफस्टाइल है, तो वो कैसे कोप अप करती है जब वो चंद्रिका की दुनिया में आती है, तो वो क्या चैलेंजेस फेस करती है, और वो कैसे चंद्रिका को यू नो उसका बिहेवियर चेंज उसको टर्न अप करती है एक मतलब सॉफ्ट हार्टेड वुमन में, और वो कैसे कैसे चंद्रिका के दिल के करीब जाना चाहती है। बस द शो इज ऑल अबाउट इट। वसुधा एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही इनोसेंट है, उसको बिल्कुल किसी से फर्क नहीं पड़ता, उसको बस खुद का पता है, उसका दिल बहुत साफ है, और उसको ये पता है कि मुझे ये करना है क्योंकि इससे दूसरे का भला हो रहा है, तो शी विल नेवर थिंक अबाउट हरसेल्फ, एंड वो सिर्फ वो करेगी जिससे उसको लगता है कि नहीं मैं चाहे मुसीबत में आ जाऊँ लेकिन सामने वाले के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। मतलब ये बेसिकली उसकी इनोसेंस डिस्क्राइब करती है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि दिस इज ये कोई सास बहू ड्रामा नहीं है, ये दो औरतों की कहानी है जो अपनी अपनी नज़र में सही है, कोई सही और गलत नहीं है, हर एक का दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है बस, और वहीं पे जो टकरार आती है वो कहानी का मुद्दा है। और बहुत ही जैसे व्हाट्स द वर्ड फॉर फेथफुल सन, आज्ञाकारी आज्ञाकारी बेटा है,
और एक बहुत ही नटखट बेटा है, तो ये कहानी आपको कहीं और नहीं दिखेगी। आपको मैं गारंटी देती हूँ, जैसे सर ने इसे शूट किया है, ये एक फिल्म से कम नहीं है। इट्स ब्यूटीफुल। जी, आपकी मम्मा ने प्रोमो देखा, उनका क्या रिएक्शन था? मेरी मम्मा ने अभी ये वाला एक्चुअली देख नहीं रहा था ठीक से। मेरी मम्मा ने बहुत अच्छा लगा, इन मम्मा को बहुत अच्छा लगा है प्रोमो। और आई थिंक मैंने भी अभी ये जो प्रोमो देखा है, ये मैंने खुद पहली बार देखा है, तो मैं खुद सरप्राइज था इस प्रोमो को लेके। बट आई थिंक जितनी हमने मेहनत की है प्रोमो के लिए और जितनी शो के लिए हमने मेहनत की है, आई थिंक वो मेरे हिसाब से यहाँ पे रंग लाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में भी, दिल और दिमाग में दोनों छा जाए। जो चंद्रिका सिंह चौहान है, पहले उसके हस्बैंड का बिजनेस था और फिर जाकर वो खुद बिजनेस संभालती है। उनकी मल्टी फैसेटेड बिजनेसेस है, मतलब क्रीम से लेकर आयुर्वेद से लेकर अलग अलग चीज़ों का बिजनेस है। दैट्स वाई वो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है। इनफैक्ट पूरे उदयपुर में शी इज़ द रिचेस्ट, दे आर द रिचेस्ट फैमिली। तो दैट इज़ हाउ फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड वो इतने बड़े हुए हैं। और उसे देवी हुकुम इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज वो, प्लीज़ नोट दैट चंद्रिका सिंह चौहान इज़ नॉट अ नेगेटिव कैरेक्टर, शी इज़ वेरी पॉजिटिव। और सिर्फ उसका नजरिया और वसुधा का नजरिया अलग है। दैट्स इट। फॉर मी आई एम अ 70% मैच। एंड फॉर मी आई एम अ 100% मैच, क्योंकि मैं रियल में भी ऐसी हूँ। मैं बहुत, मतलब मैं भी बोलने से पहले कई बार सोचती नहीं हूँ, मेरे मन में जो है मैं बोलती हूँ। और वसुधा भी वैसी है, और वसुधा भी बहुत चुलबुली है, उसको जो करना पसंद है वो करती है विदाउट एनी फियर कि लोग क्या सोचेंगे। तो मुझे लगता है मैं काफ़ी हद तक सेम हूँ, और मुझे ये कैरेक्टर करने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आई डोंट हैव टू प्रिटेंड, आई जस्ट लिव द कैरेक्टर। मेरे लिए भी आई थिंक 90% मैच है, क्योंकि मैं भी अपनी माँ की हर बात सुनता हूँ और हर चीज़ को मैं उसी हिसाब से लेके चलता हूँ जैसा अगर मेरी माँ ने सोचा है, तो आई थिंक वो अच्छा सोचा होगा। और देवांश एज अ कैरेक्टर हर इंसान के बारे में अच्छा सोचता है, ही बिलीव्स इन गिविंग सेकंड चांसेस टू पीपल एज वेल, सो आई थिंक 90% मैच है। मुझे ऐसा लगता है मुझे पेट्स, मतलब ह्यूमन बीइंग से ज्यादा मुझे पेट्स, आई एग्री, इससे प्यार है। तो इवन इसलिए तो मैं जो कास्ट देख रहा था, उसमें दो महत्वपूर्ण कैरेक्टर बताए गए, एक वसुधा और दूसरा चंद्रिका। सीरियल का नाम वसुधा इसलिए क्योंकि वसुधा और चंद्रिका लगभग सेम है। तो वसुधा ने जो चंद्रिका की जिंदगी में आके जो चैलेंजेस खुद की लाइफ में और उसकी लाइफ में चेंजेस लेके आई है और उस चैलेंजेस को अप कर रही है, तो इट्स ऑल अबाउट कि वसुधा कैसे कर रही है। तो इट्स लाइक कि जब हम वसुधा बोलते हैं तो वसुधा इज ऑल्सो, मतलब यू नो द मिक्सचर ऑफ चंद्रिका, क्योंकि वसुधा और चंद्रिका अलग नहीं है, दोनों सेम है, एज एवरीवन हैव टोल्ड यू, तो वो दोनों सेम ही है।